हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो जैसे कि मैंने इसके पहले एक लेक्चर ले लिया, लेक्चर नंबर वन, जो जिसमें मैंने डिप्रेशन टाइप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक और सिंबल एक्सप्लेन कर चुका है। बट स्टिल यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक एक बार वापस बताऊंगा ताकि मेरे को ड्रेन करंट इक्वेशंस एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाए। एक काम करना, एक बार आई बटन में क्लिक करना और लेक्चर नंबर वन एक बार देख लेना ताकि मेरा और तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए, कोऑर्डिनेशन मजबूत बना रहे। नाउ स्टार्ट करते हैं। ड्रेन करंट इक्वेशन जैसे कि तुमने थंबनेल में देख लिया तो याद होगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया एन चैनल डी मॉस्फेट का क्या है, तुमको मालूम है, बरोबर है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देख लेना, जब वीजीएस जीरो रहता है, वीजीएस जीरो रहता है तो उस टाइम पे जो करंट रहता है उसको क्या नाम देते हैं, आईडीएसएस। याद आ रहा है, मैक्सिमम करंट एट व्हाट, जीरो बायस। जब वीजीएस तुम्हारा जीरो रहता है तो यहां पर क्या है, वीजीएस क्या है, जीरो। अब एन चैनल में तुमको याद होना चाहिए, तुरंत क्लिक, वो वीडियो देखा तो तुम्हारा, मैं पहले बोल चुका हूं, वीडियो देख लेना। -1 -2 -3 -4 -4 मतलब VGS इज इक्वल टू व्हाट, VGS इज इक्वल टू व्हाट, VP इज इक्वल टू व्हाट, -4 वोल्ट पे तुम्हारा क्या हो जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। पिंच ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, चैनल एकदम वैनिश हो जाता है। चैनल एकदम वैनिश मतलब क्या हो जाता है, अब तू VDS कितना भी बढ़ा तेरा करंट बढ़ेगा नहीं, इतना क्लियर कर रखने का, समझ रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, बरोबर। यहाँ पर इनपुट करंट क्या आईडी, इनपुट वोल्टेज क्या वीजीएस, ये दोनों के ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि भाई ये तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से या फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से, कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, जैसे कि याद करो, जब वीजीएस जीरो था, वीजीएस जीरो मतलब समझो, वीजीएस जीरो मतलब यहाँ पर चैनल में 15 वोल्टेज है, तो 15 वोल्टेज मतलब तुम लोग को एग्जांपल दिया था, ऐसा एक्चुअल में 15 वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, लेकिन 15 पे क्या हो जाते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं, बरोबर है। जिस तरह में -1 रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कम होने का मतलब क्या हो जाता है, करंट कम होते जाता है। मतलब VGS इज इक्वल टू जीरो पे जो करंट आता है उसको क्या बोलते हैं, IDSS। एक्सप्लेन हो चुका है, VGS इज इक्वल टू -1 पे करंट कम होते जाता है, दिख रहा है यहाँ पर करंट कम 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 कम। VGS इज इक्वल टू -4, देखो मैंने कांस्टेंट क्या रखा है, वीजीएस रखा, और वेरिएस किसको करता है, वीडीएस को, क्लिक होना चाहिए पूरा। ये हो गया वीडीएस, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फिर इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। ड्रेन मतलब ड्रेन से लेना देना है, ड्रेन में क्या आता है, वीडीएस या था आईडी। आउटपुट क्योंकि ये आउटपुट पार्ट में, जब डीसी एनालिसिस करूंगा तो तुमको मालूम पड़ेगा आउटपुट में कैसा होता है, वीडीएस वर्सेस आईडी, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फिर कोई कोई उसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। बट व्हाट, वीजीएस कांस्टेंट होता है, यहां पर क्या होता है कांस्टेंट, वीडीएस कांस्टेंट होता है। स्किप दैट, ये क्या हो गया मेरा एन चैनल का एक्सप्लेन, मैंने बोल दिया यहाँ पर एक्सप्लेन ऑलरेडी हो गया, स्पीड में क्यों जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ईडी मतलब एक्सप्लेन हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर पी चैनल का मैंने पहले बोला था कि जिस तरह ये है ना, यहाँ पर ये ऐसा है तो यहाँ पर मिरर बन जाता है, मिरर मतलब सेम टू सेम ग्राफ रहेगा, सेम टू सेम सिमेट्रिक रहेगा, बट वो सब उल्टा हो जाएगा। जो -4 था वो 4 वोल्ट पे, मतलब यहाँ पर वीजीएस क्या है, VGS इज इक्वल टू VP पे -4 वोल्ट था, यहाँ पर बोलो VGS इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर मैं बोलने होगा 1 2 3 4 वोल्ट, समझ रहा है, और ये -1 वोल्ट, मतलब VGS इज इक्वल टू व्हाट, VGS इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू व्हाट, 4 वोल्ट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर -4 था, यहाँ पर 4 था, तो उसी तरह तुम लोग को समझना चाहिए इसका भी उल्टा हो जाएगा। जब मेरा VGS जीरो रहता है, VGS जीरो रहेगा मतलब क्या हो जाता है, इस टाइम पे जो ग्राफ रहता है उसको क्या बोलते हैं, IDSS। जिस तरह जैसी यहाँ पर देखो नेगेटिव इंक्रीज कर रहा था तो करंट डिक्रीज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज करो तो करंट डिक्रीज होता है। VGS इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अब इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाता है, ये एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका है, स्पीड में क्यों बताया तुमको पता चलना चाहिए। नाउ यहाँ पर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एनहांसमेंट मोड। देखो इसके ऊपर पूरा जितना दिख रहा है उसको क्या बोलते हो, एनहांसमेंट। व्हाई वी आर कॉलिंग एनहांसमेंट मोड, क्योंकि यहाँ पर तेरा करंट इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डिप्लेशन मोड, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज होते जा रहा है, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो एनहांसमेंट मोड ही है, ये भी एनहांसमेंट मोड है, पूरा का पूरा एनहांसमेंट मोड, और यहाँ पर क्या है, डिप्लेशन मोड है, पूरा का पूरा डिप्लेशन मोड है। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट का है, तो हम लोग डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट क्यों बोलते हैं, रीजन समझना चाहिए। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर हम लोग डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट को ऑलवेज वी आर ऑपरेटिंग इन व्हाट, डिप्लेशन मोड। नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में तुम लोग को मालूम पड़ेगा एनहांसमेंट मोड मतलब एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट में मैं उसको ऑपरेट करता हूँ एनहांसमेंट मोड में, इसलिए उसका नाम है एनहांसमेंट मोड, इसका नाम देता हूँ डिप्लेशन मोड। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डिप्लेशन मोड में ही काम करता है, मतलब क्या, इसलिए ही मैं इसको नाम देता हूँ आईडीएसएस को। हर बार कोई भी बुक में याद रखना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आईडी करंट, मैक्सिमम। इवन तो इधर से करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखो इधर से देख लो, देखो ना
करंट तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये आईडी एस एस है या फिर ये आईडी, इवन तो करंट इंक्रीज हो रहा है बट स्टिल वी आर कॉलिंग व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल ड्रेन करंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ फैक्ट, इसके पीछे ये कि जिस तरह अगर मैं इधर करंट बढ़ाता हूँ ना, यहाँ पर समझना एक्सपोनेंशियली ना, धीरे 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 यहाँ पर ये एक पॉइंट पे ना करंट इतना इंक्रीज हो जाएगा कि मॉस्फेट गर्म होने लग जाता है, और मॉस्फेट गर्म होने का मतलब क्या हो जाता है, पावर डिसिपेशन, बाहर ज्यादा फेंकने लग जाता है हीट, और जैसे हीट आ गया, अभी जैसे समझो यहाँ पर अपना फैन रहता है, मोटर गर्म हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ठंडा होने के लिए दिए, क्यों, उस टाइम पे करंट ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो गर्म होने लग जाता है, मतलब ये VGS इज इक्वल टू 1, 2, 3, यहाँ पर करंट इतना अमाउंट में फ्लो हो रहा है कि इधर मॉस्फेट क्या हो गया, गर्म होने लग गया, और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा 3 रुपए वाला मॉस्फेट खराब हो जाए, समझ रहा है, इसके वजह से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, तो मैं चाहता हूं कि मेरा डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट हमेशा ऑपरेट करे डिप्लेशन मोड में। इतना क्लियर हो गया? नाउ कम टू द टॉपिक इज व्हाट, ड्रेन करंट इक्वेशन। और एक चीज नोटिस कर लेना, ये दिख रहा है, ये इसका सिमेट्रिक है, यहां पर देखोगे और ये वाला सेम है, अभी एक्चुअल क्या है ये समझ रहा है ना, ये मार्कर, मार्कर से अभी मैनुअली बनाएगा तो इसको ग्रॉस एरर बोलते हैं, ठीक है यार, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर समझना चाहिए, ये सेम टू सेम इधर आता है बुक में, तुम लोग को ऐसे दिखेगा, और सेम टू सेम ये पी चैनल डी मॉस्फेट, इतना क्लियर होता है ना। मेरा पार्ट ये नहीं था, मेरा पार्ट अभी बोलने का मतलब है कि ड्रेन करंट, इसको देखो और ध्यान से देखो कि क्या बता रहा है, ये जो स्क्वेयर दिखता है ना, स्क्वेयर ये बताता है कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, अभी इसका डेरिवेशन अपने को पूछता नहीं है, कोई भी चाहे गेट हो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इसका डेरिवेशन नहीं आता, बट इतना पता है कि एक जो बंदा था ना उसका नाम था शॉकली, समझ, शॉक लगा हुआ नहीं, स्पेलिंग वही हमका जाता रहेगा सेम, लेकिन इसको नाम देते शॉकली करंट इक्वेशन, जो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट में उन्होंने बोल दिया तो इज्जत धन हो जाएगी, तो यहाँ पर उन्होंने बोलो कि उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो आईडी है ना, ये इसका अगर तुमको करंट इक्वेशन चाहिए तो IDSS ब्रैकेट 1 - VGS / Vp द होल स्क्वायर, एक बार क्रॉस वेरीफाई करने का ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैंने क्रॉस वेरीफाई सिर्फ इतना बोलता हूँ, चलो देखते हो VGS इज इक्वल टू VP पे क्या होता है, देखता हूँ VGS इज इक्वल टू VP पे, मेरे हिसाब से VGS इज इक्वल टू VP पे करंट जीरो होना चाहिए, आईडी जीरो होना चाहिए, चलो हाँ वो भी देख लेंगे, -5 पे तो करंट आएगा ही नहीं, समझ रहे, -6 पे करंट आएगा ही नहीं, -7 पे करंट आएगा नहीं, तो इसलिए कभी फ्यूचर में मैं डीसी एनालिसिस करूँ ना तो VGS का वैल्यू अगर पिंच ऑफ VP -4 है तो -3 पे चलेगा, -2 पे चलेगा, -1 पे चलेगा, -0 पे भी चलेगा, लेकिन 1, 2, 3 पे तो आएगा नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन -5 पे चलेगा नहीं, इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आईडी जीरो हो जाएगा, समझ रहा है, तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब, चलो देखते हैं कि VGS इज इक्वल टू VP पे आईडी जीरो होता ही है, चलो एक काम करो ऊपर वाले का नाम लेके VGS की जगह पे VP डालते हैं, आईडी इज इक्वल टू व्हाट, आईडी इज इक्वल टू IDSS 1 - VGS, अच्छा VGS की जगह पे क्या बोला मैंने, पुट अप करने VP, ये VP कैंसिल, ये कैंसिल होके 1 - 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय IDSS इज व्हाट, 0, हां या ना, प्यार से बोल, समझा कि नहीं, मतलब VGS इज इक्वल टू VP पे करंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, हां सेटिस्फाइड हुआ, वाओ Awesome. चल देखते हैं अभी दूसरा केस, केस वन समझा, केस वन में क्या किया मैंने, केस वन ये प्रूफ करके दे रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर, समझ रहा, बुक में ऐसा मालूम नहीं पड़ता, डायरेक्टली करंट इक्वेशन आता है, ये गेट एक्सपीरियंट होना तो मेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चे लोग को नॉलेज इंक्रीमेंट होना चाहिए, ना कि थियरी, थियरी की पार्ट आ रही है तो मैंने तुम लोग को पहले बोल दिया कि नीचे जाने का डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया, खुद का बनाया हुआ नोट तुम लोग को शेयर कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल पहला केस समझा मैंने क्या किया, VGS की जगह पे क्या रखा, VP। नाउ सेकंड केस, मैं VGS के जगह पे जीरो रखता हूँ, VGS के जगह पे जीरो रखने का मतलब आईडी क्या होना चाहिए, IDSS, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल करंट, चलो देखता हूँ सेकंड, अच्छा यहाँ पर केस टू लेता हूँ, समझ रहे, तुम लोग एकदम सिस्टमैटिक लिखने का ट्राई करो, ये बनाने का सिस्टमैटिक, समझ रहा, मैडम को लगना चाहिए बच्चे ने अच्छा कोशिश किया पढ़ा हुआ, समझ रहा, गवर जैसा हरकत करने का नहीं मेरे जैसे, समझ रहा। नाउ केस टू मैंने क्या बोला, VGS इज इक्वल टू व्हाट, 0 वोल्टेज, चलो देखता हूँ 0 वोल्टेज पे मेरे को मालूम है आईडी इज इक्वल टू व्हाट, IDSS, देखते सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, आईडी लिखा ठीक है, IDSS ठीक है, वेरी गुड, 1 - VGS की जगह पे क्या बोला मैंने, 0 0 / 0 / anything इज व्हाट, 0 ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर 1 - 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो IDSS, मतलब आईडी का वैल्यू क्या आया, आईडी इज इक्वल टू व्हाट, IDSS, मतलब समझ रहा है, हाँ इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, कभी भी प्रूफ करने का है ना ये करंट इक्वेशन तो क्या करने का, एकदम एक्सट्रीम केसेस लेने का, मतलब या तो VGS मैंने पहले बोला इतने टाइम में ही ऑपरेट करने वाला है, इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन मोड बोलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज याद रखने का, डिप्लेशन मॉस्फेट को मैं हर बार डिप्लेशन मोड में ऑपरेट करने वाला, जिसकी वजह से नाम पड़ा डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, बोल क्लियर है, चल आगे बात कर लेते, ये क्या हो गया मेरा डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट का फुल एंड फाइनल, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है, कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी बताया, और वहां पर सिंबल भी बताया, सबको डिटेल में बताया, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया और ड्रेन करंट इक्वेशन भी बताया, तो हम मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट, मतलब ये कॉपी कर लो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।